ओला एथर को टक्कर देने आ रही इलेक्ट्रिक एक्टिवा, जानिए कब होगी लॉन्च। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। होंडा एक्टिवा ईवी का प्रोडक्शन कर्नाटक स्थित प्लांट में किया जा सकता है। इसके साथ ही होंडा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में भी अपना सफर शुरू करेगी। स्कूटर बाजार में ईवी स्कूटरों की बढ़ती हिस्सेदारी के बीच होंडा भी एक्टिवा के इलेक्ट्रिक वर्जन के जरिए अपना मार्केट शेयर बरकरार रखने की कोशिश करेगी। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बढ़ते कदम देखते हुए होंडा भी चौकन्ना हो गई है। होंडा एक्टिवा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। अब कंपनी एक्टिवा के जरिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। होंडा भारत की दिग्गज दो व्हीलर कंपनियों में से एक है, लेकिन ये देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बेचती है। हालांकि आपका इंतजार खत्म हो सकता है क्योंकि एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन इस साल दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। देश में कई लोग होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। बैटरी से चलने वाले स्कूटर में पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए पेट्रोल का खर्च बच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक कर्नाटक स्थित कंपनी की फैसिलिटी में एक्टिवा ईवी का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर आएगा। एक्टिवा एवाने सेबनेगा कंपटीशन। होंडा एक्टिवा ईवी के आने से मार्केट में ओला एथर टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। इस साल दिसंबर में प्रोडक्शन साथ उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में एक्टिवा ईवी लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर माना जा रहा है कि ये एक मिड रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। होंडा की बड़ी मार्केट पर नजर। अपकमिंग एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को साधने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसका प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म ए पर हो सकता है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने में किया जाएगा। इनमें बैटरी और इंस्टॉलेशन के बीच फर्क रहेगा। एक्टिवा के इलेक्ट्रिक वर्जन में फिक्स्ड बैटरी दी जा सकती है। एक्टिवा एव में फिक्स्ड बैटरी। जापानी टू व्हीलर कंपनी नए एक्टिवा ईवी में फ्लोरबोर्ड के नीचे बैटरी पैक लगा सकती है। इसके अलावा पिछले पहिए पर हब मोटर को फिट किए जाने की संभावना है। होंडा ने पहले ही फिक्स्ड बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर आदि समेत ईवी टेक्नोलॉजी का पेटेंट फाइल किया हुआ है। इन पेटेंट से ही इस बात पर जोर है कि एक्टिवा ईवी में फिक्स्ड बैटरी होगी। टू व्हीलर मार्केट खास तौर पर स्कूटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ऐसे में एक्टिवा ईवी लॉन्च करके होंडा भी अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।